हाय एवरीवन, जेई एडवांस कोई बहुत टफ एग्जाम नहीं है, लेकिन इसके बावजूद बहुत सारे हाई परफॉर्मर्स आईआईटी में अपनी सीट को सिक्योर नहीं कर पाते। इसका सबसे बड़ा रीजन है कुछ कॉमन मिस्टेक्स, जो चाहे एवरेज लर्नर हो या हाई परफॉर्मर्स हो, लगातार ये मिस्टेक्स करते रहते हैं, जिस वजह से उनके आईआईटी को पाने का सपना उनसे दूर होता जाता है और ये रियलाइज भी नहीं होता कि ये मिस्टेक्स वो क्या कर रहे हैं। इस वीडियो में मैं ऐसी ही चार कॉमन मिस्टेक्स को पॉइंट आउट कर रहा हूं। अगर आप जेई एडवांस का सपना देख रहे हैं कि अपनी बहुत अच्छी सीट को सिक्योर करना है, तो इन चारों मिस्टेक्स को करने से बचिए, जो आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। जेई एडवांस में हाई परफॉर्मेंस लाने के लिए सबसे बड़ी जरूरत होती है एक जुनून की। स्टूडेंट्स अगर जेई एडवांस को क्रैक करना चाहते हैं, तो वो जुनून होना चाहिए आखिरी मोमेंट तक कि मुझे आईआईटी में जाना ही है, चाहे इसके लिए पूरी जान लगा के कुछ भी करना पड़े। और यहीं पर इस जुनून की वजह से कई ऐसी गलतियां हो जाती हैं, हमें पता ही नहीं चलता कि हमें आईआईटी से पीछे धकेल रही है, जिसमें सबसे पहली कॉमन मिस्टेक होती है अपनी स्लीप को कट करना। उस जुनून में दिन रात बच्चे लगे रहते हैं, रात को 2-2 बजे तक प्रैक्टिस कर रहे हैं और सुबह 5-6 बजे उठ के वापस से लग जाते हैं, नींद आ रही है लेकिन कॉफी पी के अलग अलग तरीकों से नींद को कट शॉर्ट करके अपनी प्रैक्टिस पे लगे रहते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, आपको लॉजिकली ये समझना बहुत जरूरी है कि जेई एडवांस में जिस तरह के क्वेश्चंस आते हैं वो टफ नहीं होते, इनोवेटिव होते हैं, कॉन्सेप्ट्स के नए एप्लीकेशंस होते हैं। और अगर आप अपने दिमाग को पूरी तरह से एप्लीकेशन लेवल पे खोलना चाहते हैं, तो आपको अपने ब्रेन का एंट्रोपी लेवल डाउन करना होगा, ब्रेन को शांत करना होगा, स्टेबल करना होगा, और सबसे ज्यादा जरूरी है अपने दिमाग की फ्रेशनेस को बरकरार रखना होगा, जिसके लिए कम से कम 7-8 घंटे की स्लीप आवर्स जरूरी हैं। अगर आप इतनी स्लीप नहीं लेते हैं, तो ब्रेन कहीं ना कहीं, ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि आपका एंट्रोपी लेवल हाई रहता है और आप पूरी तरह से अपने ब्रेन की कैपेसिटी को थिंकिंग में, एप्लीकेशन में यूज नहीं कर सकते। सो इमीडिएटली इस बात को ध्यान में रखें कि आप फंडामेंटल्स के ऊपर फोकस करें, और प्रैक्टिस कितनी करनी है मैं इसी वीडियो के एंड में आपको बताऊंगा, लेकिन स्लीप को कट शॉर्ट करने की बिल्कुल भी कोशिश ना करें। जिस मोमेंट पे आपकी आंखें झपकना शुरू हो, नींद आना शुरू हो, मैंने कई वीडियो में बताया, इमीडिएटली गो टू बेड, और जब तक अपने आप नींद ना खुले सोते रहिए। 7-8 घंटे की स्लीप अपने आप में काफी है, और जुनून है तो 6-7 या 8 घंटे में अपने आप नींद खुलेगी और फिर उसी जुनून के साथ सुबह फ्रेश माइंड के साथ लग जाइए। दूसरी एक बहुत बड़ी गलती स्टूडेंट्स कॉमनली करते हैं कि उनको अपनी प्रिपरेशन पे ही डाउट रहता है कि मैं सही कर रहा हूं या गलत कर रहा हूं, शायद मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, अपनी तरफ से पूरी कोशिश है। इन सब बातों को खारिज करके मैं आपको कहना चाहूंगा, एक हाई कॉन्फिडेंस दिमाग में रखिए। अगर जुनून है तो मुझे आईआईटी में सेलेक्ट होना ही है। जेई एडवांस के लिए जो भी चैप्टर, जो भी टॉपिक मैं करूंगा, उसको एक्सेल करके करूंगा, अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर प्ले करूंगा, एंड आई एम नॉट गोइंग टू लूज दिस ईयर आईआईटी इन एनी कंडीशन। हमने आपको ब्लॉक स्ट्रेटजी फॉर जेई एडवांस दिया है, ये ब्लॉक स्ट्रेटजी अगर आपने फॉलो नहीं करी, अभी भी लिंक पिन कमेंट में, एटलीस्ट 2 या 3 बार इन ब्लॉक्स को इसी मेथडोलॉजी से करिए जैसा इस वीडियो में बताया गया है। आईआईटी आपका अपना होगा और अपनी स्ट्रेंथ के साथ प्ले कीजिए। सो सेकंड कॉमन मिस्टेक यही है, डू नॉट डाउट ऑन योर प्रिपरेशन, हाई कॉन्फिडेंस के साथ लगे रहिए, क्योंकि 40-50% सिलेबस के साथ भी आईआईटी पे पूरी तरह से अटैक करके आप अपना बना सकते हैं। तीसरी एक कॉमन मिस्टेक स्टूडेंट्स के दिमाग में आती है या डाल दी जाती है कि जेई एडवांस के पेपर में कई इजी क्वेश्चंस भी आते हैं और उससे आराम से 40% मार्क्स लाए जा सकते हैं। माय डियर स्टूडेंट, ये एक बहुत बड़ा मिथ है। जेई एडवांस के पेपर में सिर्फ इनोवेटिव क्वेश्चंस आते हैं, सर्टेनली क्वेश्चंस इजी बहुत सारे होते हैं, लेकिन वो जेई मेन लेवल पे नहीं होते। जेई मेन के पेपर में ज्यादातर क्वेश्चंस पीवाईक्यू डिराइव्ड या डीपीवाईक्यू पूछे जाते हैं, जो स्ट्रेट फॉरवर्ड फार्मूला लगा के आंसर आ जाते हैं, लेकिन जेई एडवांस में ऐसे हार्डली 2 या 3 क्वेश्चन होते हैं, इससे ज्यादा किसी भी सब्जेक्ट में नहीं पूछे जाते। और अगर आप 40% स्कोर करना चाहते हैं, तो आपको जेई मेन लेवल की प्रैक्टिस मेथडोलॉजी से बचना होगा। आप किसी भी कंडीशन में अगर जेई मेन लेवल के फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस की लगातार प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आपका दिमाग अलाइन हो जाता है डायरेक्ट क्वेश्चन करने को लेके, और थोड़ा भी ट्विस्टेड क्वेश्चन आप हैंडल नहीं कर पाते। और जेई एडवांस के पेपर में ज्यादातर क्वेश्चंस ट्विस्टेड ही होते हैं, भले इजी होते हैं, थोड़ा सा ट्विस्ट होता है, लेकिन वो आपकी डायरेक्ट क्वेश्चन हैंडलिंग की मेंटेलिटी आपको अपने आईआईटी से दूर कर सकती है। तो जेई मेन या फंडामेंटल लेवल के क्वेश्चन से बचिए, आपको अब इनोवेटिव क्वेश्चंस पे काम करना है, पीवाईक्यू के वेरिएशंस पे काम करना है, एडवांस इलस्ट्रेशन जैसी चीजें करनी है। मैंने कई बार बताया, फिजिक्स के लिए अगर आप हमारी एडवांस इलस्ट्रेशन बुक और पीवाईक्यू बुक को सॉल्व एग्जांपल मेथड से करते हैं और हर क्वेश्चन के 4-4 वेरिएशंस के ऊपर काम करना शुरू करते हैं, दैट इटसेल्फ इज मोर देन सफिशिएंट फॉर यू टू क्रैक फिजिक्स फॉर जेई एडवांस, इवन अप टू अ लेवल जहां पे फिजिक्स ही आपको आईआईटी के अंदर घुसा के ले जाएगा। सो स्टूडेंट, तीसरी कॉमन मिस्टेक यही है, कीप योरसेल्फ अवे फ्रॉम जेई मेन टाइप ऑफ क्वेश्चंस, ऐसे क्वेश्चन से बचें और वर्सटाइल वेरिएशंस के ऊपर काम करते रहें। चौथी एक कॉमन मिस्टेक बहुत सारे स्टूडेंट करते हैं, कहीं ना कहीं जेई एडवांस का क्रैश कोर्स ज्वाइन कर लेते हैं। मैं ये नहीं कहूंगा कि सारे क्रैश कोर्स खराब होते हैं या कोई काम के नहीं होते, बट ये जरूर कहूंगा कि क्रैश कोर्स अगर आपने ज्वाइन किया है, तो वो क्रैश कोर्स आपका टाइम कंज्यूम करता है, और साथ ही साथ अगर आप उस पर डिपेंडेंट हो जाते हैं, तो एक यूनिडायरेक्शनल वर्किंग चालू हो जाती है। सो आई स्ट्रांगली सजेस्ट कि अगर क्रैश कोर्स फॉलो कर भी रहे हैं, तो किसी क्रैश कोर्स पर डिपेंडेंट नहीं होना है, टाइम को सेव करना है और पूरी तरह सेल्फ डिपेंडेंट होकर तैयारी करनी है। सबसे बड़ी मिस्टेक यही रहती है स्टूडेंट्स की, डू नॉट डिपेंड योरसेल्फ ऑन एनी रिसोर्स
यू आर फॉलोइंग फॉर जेई एडवांस, आपको पूरी तरह से अपने आप पे डिपेंडेंट होना है, और आपको अपने आप पे डिपेंडेंट होने के लिए ही हमारी नई जेई एडवांस की रिविजन सीरीज वी आर ब्रिंगिंग अपॉन, जिसका पर्पज सिर्फ आपको डेवलप करना है और आपको खुद ऐसे रिविजन के लिए तैयार करना है जो आपको जेई एडवांस में एक लेवल से आगे बढ़ाता चले जाएगा। इस रिविजन सीरीज के लिए लिंक पिन कमेंट में है फॉर द लॉन्च वीडियो। अगर आप इस वीडियो को लेट देख रहे हैं तो उसी लॉन्च वीडियो के साथ आप इस सीरीज को फॉलो करना शुरू कीजिएगा। स्टे ट्यून्ड ऑन दिस चैनल, अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो सब्सक्राइब दिस चैनल एंड ज्वाइन आवर टेलीग्राम एट t.me/galaxyworld where lot many resources are coming up to enhance your GE advanced preparation. Wish you all the best.